गुरु जी, हमारे देश को कोई गाली दे तो गुस्सा आता है, तो क्या करना चाहिए? आना चाहिए। गुस्सा का भी मौका, इस तरह की मौका अच्छा है। देश को कोई गाली दे तो गुस्सा करो, कोई बात नहीं। हाँ, ईश्वर को गाली दे तो गुस्सा करो, कोई हर्ज नहीं। देखो, कोई गाली देता हो तो यदि तू शांत हो तो उस गाली को मजाक में ले सकते हो। हास्य हो तो गुस्सा को हम अवॉइड कर सकते हैं। हास्य नहीं है तो गुस्सा आता। कोई गाली से गुस्सा आने की जरूरत नहीं है। कोई गलत कृत्य करे, करते चले जाए तो गुस्सा करना उपयोग है। गाली का क्या मौल्य, मौल्य नहीं है। किसी के मुंह से ऐसे शब्द निकलते रहते हैं तो निकलना है उसमें क्या। कोई गाली दे बोलो तेरा आंख में धूल है भाई, उसको साफ करो। बोलो पीलिया लग गई तुम्हें, बोलो इसलिए सब पीला लगता है। पीलिया की बीमारी लग गई तुम्हें, पीलिया लगती है, सब पीला लगता है। कहना चाहिए अपना जरा सा ह्यूमर हो तो चीजों को बदल सकते हैं। एक पादरी ने मुझे एक जोक सुनाई थी। उन्होंने कहा तीन लोग स्वर्ग गए, एक हिंदुस्तानी, एक अमेरिकन और एक यूरोपियन। अमेरिकन स्वर्ग गए तो भगवान उठ के उनको स्वागत किए, ईश्वर गॉड। एंड अमेरिकन गए तो भी उठ के उन्होंने उनका स्वागत किया, यूरोपियन गए तो भी। जब हिंदुस्तानी गए तो वो बैठे रहे, फिर बोले वेलकम वेलकम बोले। तो हिंदुस्तानी बड़ा नाराज हो गया, भगवान ये क्या तुम इस तरह से यहाँ हमारे साथ अन्याय हो रहा है, यहाँ पर इधर भी हमको कोई वैल्यू नहीं है, दुनिया में तो वैल्यू नहीं है, इंडियन माने कोई पूछता नहीं, हिंदुस्तानी को वैल्यू नहीं, स्वर्ग में आते इधर भी हमारे साथ इस तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तुमने कर दिया। तो उन्होंने ऐसे इल्जाम लगाए तो भगवान ने कहा मुझे ये डर है तुम हिंदुस्तानी हो ना, मैं उठूंगा तो तुम मेरे कुर्सी ऑक्यूपाई कर। इतना धोखाधड़ी करते हैं। इंडिया पूरा करप्शन से भर गया, तुम इतना धोखाधड़ी, हम उठेंगे तो तुम आके हमारी कुर्सी बैठ जाए, कुर्सी हमारा चला ना जाए। तो इन्होंने ये कहा कि इस तरह से उसको इंटरप्रेट किया। मैंने कहा कि हाँ, भगवान भी डरते हैं भारतीय से, भारतीय इतना प्रतिभाशाली है, भगवान से कोई कम नहीं लगते हैं। इसी चीज को तुम इंसल्ट के रूप में ले लो या कॉम्प्लीमेंट के रूप में ले लो। उन्होंने तो जो बताया वो इंसल्ट के रूप में बताया, तो मैंने उसको वही एकदम पलट दिया। मैंने कहा एक तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में दे दिया। तो भारत ये जो आए तो योग आसन ध्यान प्राणायाम सब करके सिद्ध होगा, योगी होगा, बुद्ध होगा, तो भगवान की कुर्सी हिल जाए उसमें तो। तो ह्यूमर, ह्यूमर इज द बेस्ट मेडिसिन। यू कैन चेंज यू इफ यू हैव ह्यूमर, यू कैन क्रिएट, यू कैन टर्न एनी एडवर्स सिचुएशन इनटू ए फेवरेबल सिचुएशन, वेरी हैप्पी सिचुएशन। दैट इज वाई ह्यूमर इज इम्पॉर्टेंट इन नेक्स्ट। गुरु जी, जैसे आप भगवान है, हमको योग प्राणायाम सिखा रहे हो, फिर आपकी कुर्सी का इसलिए मैं एक नहीं बहुत से कुर्सियां बना दिया। मेरा कुर्सी तो आपके दिल में है, वो जहां कोई जाता नहीं है वहां मजबूत कर दिया मैंने अपना कुर्सी। जी, ऐसा क्या करें कि अनंत काल तक आपकी शरण में भक्ति की और श्योरिटी हो जाए? भक्ति
भक्ति हो जाए ये नहीं सोचो, भक्ति है ये सोचो। भक्ति वर्तमान की चीज है, भविष्य की नहीं है। सुन लेना, भक्ति वर्तमान की चीज है, भविष्य की नहीं है। तो वर्तमान में जो है सो है और वो रहेगा। भक्ति हो जाए ये नहीं चाहना, भक्ति है ये मानना। कुछ जानना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा। भक्ति मानने की बात